नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं चिमनी न्यूज़। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की। थाने जिले के कल्याण में बिल्डर बाप बेटे की दबंगई का नमूना सामने आया है। फ्लैट का पानी कनेक्शन क्यों काटा, यह पूछने पर बिल्डर प्रताप सिंह और उनके बेटे विकास सिंह ने मनोज प्रजापति नामक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल कल्याण के पिसवली में मनोज प्रजापति ने बिल्डर राम प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई इमारत में एक फ्लैट खरीदा है। बिल्डर ने उसी फ्लैट का पानी कनेक्शन काट दिया था। इसी बात को लेकर मनोज और बिल्डर के बीच मामूली सी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बिल्डर प्रताप सिंह और उनके बेटे ने मनोज को लोहे के सरिये से बुरी तरह पीट दिया। बिल्डर ने उसी फ्लैट का पानी कनेक्शन कट कर दिया। इस बात को लेकर मनोज और बिल्डर के बीच मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद बिल्डर राम प्रताप और उनके बेटे मनोज को लोहे के सरिये से बुरी तरह पीट दिया। बुरी तरह जख्मी हुए मनोज प्रजापति का इलाज कल्याण पूर्व के जन कल्याण अस्पताल में चल रहा है। वहीं अब इस मामले में जख्मी के परिजनों से बात की गई तो उनका कहना है कि मानपड़ा पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश में हुई है। तो ये जो आज की खास खबर, इसी तरह की खबरों में बने रहकर देखते रहिए एचएम न्यूज़।